बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखेंगे, तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ फसल काटने के बाद संरक्षण के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछा दें। आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए दो नई किस्मों को मिली मंजूरी। गुलाब की खेती के लिए अनुसंचित प्रभेद में लगाएं मोंटेजुमा। अब समाचार विस्तार से। खरीफ फसल काटने के बाद संरक्षण के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछा दें ताकि खेत की नमी नहीं उड़ पाए। साथ ही खेत में शीघ्र रबी फसल लगाएं ताकि मिट्टी में बची नमी से रबी का अंकुरण हो सके। आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए दो नई किस्मों MSP 16307 और कुफरी कुख्याति को मंजूरी दी गई है। ये दोनों किस्में अधिक पैदावार देने के साथ ही भंडारण क्षमता भी अधिक है। MSP 16307 किस्म के आलू और गूदे बैंगनी रंग के हैं। यह 90 दिन में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है, जबकि कुफरी कुख्याति किस्म 75 दिन में ही खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाई, टमाटर की खेती से बेहतर उत्पादन लेने के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। टमाटर में बैक्टीरियल विल्ट से बचाव के लिए स्वर्ण नवीन, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण कंचन लगा सकते हैं। साथ ही बैक्टीरियल विल्ट से बचाव के लिए ग्राफ्टेड टमाटर में स्वर्ण वैभव का भी चयन किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर टमाटर के लिए बहुत सारा यहाँ पर प्रभेद है जो कि हमारे प्लांडू से भी निकला है। जैसे यहाँ जो समस्या है जिसमें विल्ट की समस्या है, तो इसके लिए हम स्वर्ण नवीन, स्वर्ण श्यामली, कई तरह का प्रभेद है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्वर्ण कंचन जो है उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। और हमारे यहाँ जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरियल विल्ट से रेसिस्टेंट जो है उसको लगाने के लिए ग्राफ्टेड टोमेटो हमारे यहाँ उपलब्ध है, और ग्राफ्टेड टोमेटो को भी हम अच्छी तरह से लगा सकते हैं। स्वर्ण वैभव है, स्वर्ण वैभव को भी हम ले सकते हैं। तो अलग अलग किस पर्पज से आप ले रहे हैं उसके हिसाब से हम अलग अलग वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं जो कि बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट भी हो और हाई यील्डिंग भी। गुलाब की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 22,250 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुसंचित प्रभेद में सुपरस्टार, रक्तगंधा, मोंटेजुमा, ग्लैडिएटर, मैनू पार्ले लगाएं। गुलाब की खेती के लिए मटियार दोमट से दोमट मिट्टी जो कि जीवांश युक्त हो और जल निकास भी अच्छा हो उपयुक्त है। साथ ही pH 6.5 से 7.5 हो। गुलाब को लगाने के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर व्यास और गहराई वाला गड्ढा खोदकर पौधा मिट्टी के साथ लगाना चाहिए। किसान भाई, खरपतवार के नियंत्रण और खेती की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में लगने वाले रोग, पत्ती अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप यदि मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो इस फसल में लगने वाले रोग, पत्ती अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के लिए 0.02% माइकोजेबिया कैप्टन नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में दर्शकों, आपने कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखी, देखी मंडी का भाव और साथ में मौसम का मिजाज भी जाना। एक रुकते हैं छोटे से विराम के लिए, विराम में भी आपके लिए संदेश छिपा है। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवम्बर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर किसान भाई मालामाल हो रहे हैं, तो आइए हम आपको वृत्तचित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई की आमदनी दोगुनी हो गई है। ततकर्म यन्न बंधाय स विद्या या विमुक्तये, अर्थात कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे। यह बात युवा किसान प्रशांत कुमार पर अक्षरशः लागू होता है। प्रशांत चतरा जिले के गंधरिया पंचायत स्थित ऊटा ग्राम के रहने वाले हैं। जिले के प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर आगे की पढ़ाई जारी रखे हैं, लेकिन पेशे से एक किसान हैं। खेती किसानी इन्हें विरासत में मिली है। सबसे पहले हम अपना पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। मेरा 10वीं तक का पढ़ाई DAV स्कूल से हुआ है, उसके बाद आगे का पढ़ाई हजारीबाग जिला से हुआ है। अभी फिलहाल मैं कुछ दिन पहले सतकोलम्बस कॉलेज से ग्रेजुएशन करके कंप्लीट हुआ हूँ। तो अभी फिर मेरा BBU में एडमिशन करवाना है PG के लिए।
उसके बाद मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि मुख्यतः कृषि से जुड़े हुए हैं। मेरे दादाजी भी खेती से जुड़े हुए थे, लेकिन वो पारंपरिक खेती करते थे, सब चीज़ अपने से करना वो खेती करते थे। उनके बाद फिर मेरे जो छोटे पापा हैं वो खेती कर रहे हैं, उसके बाद अभी हम जुड़े हैं नया खेती। भारतीय जनमानस में यह आम धारणा है कि शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है। युवा पीढ़ी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लक्ष्य से शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रशांत का नजरिया इस विषय पर अलग है। वे शिक्षा को ज्ञान का आधार मानते हैं, न कि नौकरी का साधन। प्रशांत खेती बाड़ी के द्वारा न केवल खुद का जीविकोपार्जन करते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया कराना चाहते हैं। सर, मेरा रुझान शुरू से नौकरी करने का इच्छा नहीं था। मेरा शुरू से सोच था कि हम खुद रोजगार ना करके 10 लोगों को कम से कम किस तरह से रोजगार में जोड़े। मेरा उद्देश्य था कि 10 लोगों का रोजगार कम से कम मेरे द्वारा चले, तो उसी को उद्देश्य लेते हुए आज हम कृषि से जुड़े हुए हैं। और अभी भी मेरे पास लगभग 10 से 15 लोग जो हैं सो रोज काम करने के लिए आते हैं, रोज का रोजगार मेरे पास है 10 से 15 लोगों का रोजगार। प्रशांत 4 एकड़ के रकबा पर खेती करते हैं। अपने खेत में ड्रिप और मल्चिंग की सहायता से फसलें तैयार कर रहे हैं। मेरे पास कुल रकबा लगभग 4 एकड़ है, जिसमें मैं हम अभी शुरुआत से ही सब्जी का खेती कर रहे हैं। और सब्जी के खेती में अभी मेरे पास गोभी का खेती हुआ है, फिलहाल में शिमला मिर्च लगा हुआ है, उसके बाद मटर लगा हुआ है। और मेरा जो भी खेती है सो सब मॉडर्न तरीका से है, सब ड्रिप और मल्च पर किया हुआ है। हालांकि खेती किसानी प्रशांत को परिवार की परंपरा से मिली है, लेकिन उनकी खेती बाड़ी का तरीका आधुनिक है। उनके चाचा जो इसराइल के दौरे में गए किसानों की टीम का हिस्सा थे, ने प्रशांत को आधुनिक कृषि के तरीकों की जानकारी दी। प्रशांत कृषि के आधुनिक तरीकों को अपनाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपको बताएं कि मेरा जो परिवार है पूरा कृषि से जुड़ा हुआ है, तो मेरे जो छोटे पापा हैं वो इसराइल गए थे घूमने के लिए, मतलब कृषि क्षेत्र में ही घूमने के लिए गए थे। तो वो जब वहाँ से आए तो उन्हीं के साथ हम जुड़ के वो मेरे साथ सहयोग करते हैं, हर चीज़ में सहयोग करते हैं। तो वो ही बताएं कि मॉडर्न तरीका से खेती करो, वो आसानी होता है और फायदेमंद भी है। पारंपरिक और आधुनिक खेती के अंतर और लाभ को प्रशांत बखूबी समझते हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक खेती में ज्यादा मेहनत और ज्यादा खर्च लगता है, जबकि आधुनिक खेती में कम मेहनत और कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। दोनों में बहुत सारा अंतर है सर। पहले का जो पारंपरिक खेती होता था उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत था, उत्पादन कम होता था। अभी जो हम लोग खेती कर रहे हैं उसमें मेहनत कम है, उत्पादन ज़्यादा है, मेहनत हम लोग को कम करना पड़ता है। उसमें एक फसल के लिए मतलब कि जब भी फसल चेंज करें हर बार खेत का जुताई करना होता है, फिर खेत का मेड़ बनाना है, खेत को डिजाइन करना है, उसमें ज़्यादा मेहनत लग जाता था। अभी जो हम लोग खेती कर रहे हैं तो एक बार खेत जुताई करते हैं, उसका उपयोग हम लोग साल भर तक करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार कृषि को बेहतर बनाने और कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों योजनाएं चलाती हैं। जानकार और जागरूक किसान इन योजनाओं का लाभ उठाते हैं। प्रशांत भी अपनी खेती किसानी में सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र का इन्हें मार्गदर्शन भी प्राप्त है। सर, मेरे पास सरकारी योजना का 2-3 सरकारी योजना का लाभ है, जिसका हम श्रेय देते हैं KVK कृषि विज्ञान केंद्र चतरा का, जिसके द्वारा हमको मिला। सबसे पहला में है मेरे पास सोलर लगा हुआ है, जिससे हमको सिंचाई करने में आसानी होता है। और दूसरा लगा हुआ है ड्रिप इरीगेशन से हमको सिंचाई करने में, कोई फसल का सिंचाई करने में बहुत ही आसानी तरीका से सिंचाई हो जाता है। जल खेती किसानी का मूलभूत संरचना है। पानी के बिना खेती बाड़ी की कल्पना भी बेमानी है। पानी के अभाव में राज्य का बड़ा रकबा एक फसली रह जाता है। ड्रिप सिंचाई की सुविधा ने इस समस्या के समाधान में काफी योगदान दिया है। प्रशांत अपने खेत में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं और इसके तमाम फायदे बताते हैं। फीडबैक हम लोग का उत्साह बढ़ता है कि जिस सोच से कृषि विज्ञान केंद्र का इसका हुआ था उसको सफल हो रहा है। प्रशांत का मानना है कि खेती किसानी अब घाटे का सौदा नहीं है, इसमें अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है।
प्रशांत का मानना है कि जानकारी, जागरूकता, मार्गदर्शन, मेहनत और सरकारी योजनाओं के लाभ से खेती किसानी के माध्यम से अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। प्रशांत कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त कर सिर्फ नौकरी ही नहीं की जा सकती, बल्कि उस ज्ञान का खेती किसानी में उपयोग कर अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। सर, जैसा कि अभी दिसंबर का सीजन आने वाला है और हमारे चतरा जिला से लगभग डेली रात को हम लोग मेन रोड पर रहते हैं, डेली रात को लगभग 40 से 50 पिकअप गाड़ी टमाटर का यहाँ जाता है। तो हम मेरे एज के जितना भी युवा साथी हैं उन लोग से कहते हैं पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने में उसमें पढ़ाई करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए और नॉलेज लीजिए। ये नहीं कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी ही रहा, नौकरी एक ज़रूरत हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास सारा किस चीज़ का संसाधन है तो आप खेती की तरफ ही बढ़ सकते हैं। खेती कोई अब घाटा का सौदा नहीं रहा। पहले के जो बुजुर्ग हैं, अभी भी हमको जब हम खेती शुरुआत कर रहे थे तो अभी बड़े बुजुर्ग जो थे वो बोल रहे थे कि खेती कर रहा है बाबू, खेती बहुत घाटा का सौदा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो कैसे कर पाओगे। हम बोले चाचा दादा जो भी हैं आप देखिए बस कैसे खेती होता है, कितना सारे तरीका से होता है। तो हम युवा लोग को बोलते हैं सरकार का भी बहुत सारी योजनाएं आती हैं, जैसे सोलर के लिए अलग योजना आता है, ड्रिप के लिए अलग योजना आता है, सर सारा चीज़ का सरकार व्यवस्था देती है। बस पब्लिक को चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ मिल रहा है। आपको ड्रिप मिल जाएगा सरकार के द्वारा ही, वो सरकार 90% सब्सिडी पर देता है, 10% किसान देता है। सोलर मिल जाएगा आपके पास, रोटोवेटर मिल जाएगा, ट्रैक्टर मिल जाएगा, सारा चीज़ तो सरकार देने के लिए तैयार ही है। बस आपको ऐसे खुद सब चीज़ इकट्ठा करके आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और खेती अब घाटे का सौदा नहीं रहा। किसानों के लिए बाजार सब दिन एक बड़ी समस्या रही है, अब बाजार की उनके लिए खास दिक्कत नहीं है। व्यापारियों से संपर्क कर किसान अपनी फसलों की वांछित कीमत प्राप्त कर सकते हैं। बाजार, सर बाजार में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, थोड़ा बहुत दिक्कत है। आपको बस जो लोग हैं, व्यापारी जो लोग हैं जो सब्जी खरीदते हैं उनसे थोड़ा कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। मेरे पास जो 4 एकड़ का जो खेती हुआ इस बार, सो हम आपको सही बताएं तो हमको एक दिन भी बाज़ार लेके नहीं जाना पड़ा। मेरा जितना भी प्रोडक्ट था, जितना भी गोभी निकला, लगभग 40 से 50 क्विंटल तक गोभी निकला है, सो सब खेती पर से चला गया। बस आपको ज़रूरत है एक बार मार्केट में घूमिए, व्यापारी जो लोग हैं अच्छा जो रेट देते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका सारा माल खेत पर उठ जाएगा। प्रशांत के पास भविष्य में खेती किसानी को और भी बेहतर बनाने की कई योजनाएं हैं। हालांकि उनके पास खेतीबाड़ी के लिए प्रयुक्त तकरीबन हर आवश्यक उपकरण उपलब्ध है, लेकिन भविष्य में वे संरक्षित खेती कर ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। सर फ्यूचर का प्लानिंग है सर, खेती को एक और अलग लेवल पर लेके जाना है जिसे सारा चीज़ का व्यवस्था हो। अब हम लोग को पॉली हाउस का खेती की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, प्रोटेक्टेड खेती की ओर, जिससे कि कोई भी सीजन में हम कोई भी फसल निकाल सकते हैं। सीजन पर हम कोई किसी फसल को निकालने के लिए कोई सीजन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जैसे सर अभी अब जब हम लोग पॉली हाउस की तरफ बढ़ेंगे तो अभी जो सीजन है वो ठंडा का सीजन है और ठंडा के सीजन में आपको करेली बाजार में मिलेगा नहीं सर। तो अभी के सीजन में अगर आप करेली निकालेंगे तो अभी जो रेट है वो लगभग 50 से 60 रुपये का, तो किसान कमाएगा। तो उसी तरह हम लोग प्रोटेक्टेड फार्मिंग की ओर बढ़ने वाले हैं, तो उससे हमको और ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। राज्य में अधिकांश किसानों के पास रकबा कम है जिस कारण उन्हें वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। प्रशांत का मानना है कि किसान अगर सामूहिक रूप से खेती करें तो इससे उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। जो लोग जैसे मान के चले कि 10 किसान है सर, 10 किसान के पास आज के जमाने में शायद ही बहुत कम लोग हैं जिसके पास खेत नहीं है, सबके पास एक कट्ठा दो कट्ठा खेत है। तो मान लीजिए 10 एकड़ जमीन है, 10 लोग हैं, सबके पास एक कट्ठा जमीन है, 10 कट्ठा जमीन हो गया, उसमें आप प्रोटेक्टेड फार्मिंग कर सकते हैं जिसमें कम जमीन में ज़्यादा उत्पादन हो सकता है, उसमें फिर सारे लोगों को सहयोग होगा, मेहनत कम लगेगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रशांत यह भी मानते हैं कि रोजगार प्राप्त करने के अनेकों तरीके हैं। नौकरी जीविकोपार्जन का एकमात्र आधार नहीं है, बल्कि खेती किसानी और इससे जुड़े व्यापार से भी अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। जी, युवा लोग से हम यही कहना चाहते हैं कि नौकरी के पीछे कम भागिए और अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनने का कोशिश कीजिए, नौकरी कितना ही मिल जाएगा। अभी रोजगार हर फील्ड में बहुत सारा रोजगार है, आप जहाँ जो भी चीज़ देखिए, आप अगर सबसे आसान चीज़ देखिए तो सांस ले रहे हैं, सांस लेने का भी व्यापार आदमी कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन का हो गया, पानी पी रहे हैं, छोटा से छोटा चीज़ को भी व्यापार किया जा सकता है, पानी हो गया, कपड़ा पहन रहे हैं, किसी ना किसी तरह से व्यापार से जुड़िए, रोजगार से जुड़िए और लोगों को और रोजगार देने
हमेशा कोशिश कीजिए नौकरी के पीछे मत भागिए। किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़ने में कृषि विज्ञान केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि विज्ञान केंद्र से मार्गदर्शन एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर अनेकों युवा कृषि को अपना रहे हैं और आधुनिक कृषि के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। प्रशांत ऐसे ही युवा किसान हैं जिनके पास कृषि के तमाम आधुनिक यंत्र हैं और कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारियों का वे भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इस तरह के कई युवा चतरा में हैं जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं, जिनको जो है प्रशिक्षण दे करके और हम लोग जो है ड्रिप या और भी तमाम जो तकनीक है आधुनिक जो है उससे जो है खेती के लिए सजेस्ट करते रहते हैं और इनको इजराइल भेजने के लिए हम लोगों ने ही इनके चाचा को सजेस्ट किया था और कृषि विभाग के द्वारा, कृषि विभाग का इसमें बड़ा योगदान था, जो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है इजराइल गए थे वो, और वहाँ भी उन्होंने देखा था इस चीज़ को, इस एक्सपोजर विजिट उसका हुआ था और उसका प्रभाव जो है इन लोगों के ऊपर काफ़ी पड़ा। हम लोग तो प्रशिक्षण देते रहते हैं और इनको, इन लोग बताते रहते हैं, लेकिन जब से वहाँ इजराइल गया तब से काफ़ी इन लोगों का एक्सपोजर हुआ, जैसे आने के बाद जो है ये लोग जो है ड्रिप और मल्चिंग जो है इससे काफ़ी जुड़ गया है। पहले से भी ये लोग खेती करने में काफ़ी सक्षम था और आज के समय कम से कम हमको लग रहा है कि 4-5 साल से ये लोग जो है ये पूरी तरह से आधुनिक कृषि से जुड़े हुए हैं। इनके यहाँ जो है 2-2 ट्रैक्टर है, सीड ड्रिल है, जीरो टीलेज है, रीपर है, कल्टीवेटर है, इनके पास पॉली हाउस है और ड्रिप मल्चिंग सोलर इनके यहाँ लगा हुआ है। सारी आधुनिक तकनीक जो है इनके यहाँ है और इस तरह से कई किसान चतरा में है जो कि मैंने खेती कर रहे हैं और काफ़ी मतलब कि मुनाफा कमा रहे हैं और अपने पूरे परिवार को जो है चला रहे हैं। इवन कि मतलब हजारीबाग रांची में उसके बच्चे जो है कोचिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और सारा खर्च जो है अपने खेती से वो ये सारा काम कर रहा है। विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका से संतुष्ट हैं। वे कृषि के आधुनिक तकनीकों और सरकार की योजनाओं को कृषकों तक पहुंचाकर उत्साहित हैं। उनके प्रयासों को युवा किसान हाथों हाथ ले रहे हैं। हम लोगों का उत्साह और बढ़ता है और हमारे जो भारत सरकार है इसका जो उद्देश्य है, मतलब हमारे मोदी जी का, जिसमें कि पर ड्राफ्ट मोर क्राप जो है वो जो है ये गुजरात वगैरह में जो हर जगह होता था, मध्य प्रदेश वगैरह में भी काफ़ी है स्प्रिंकलर वगैरह का, राजस्थान में है, हमारे झारखंड में इस चीज़ का जो है काफ़ी मैंने इसका जोर शोर से ये चल रहा है। ये आपके चतरा ही जिले में नहीं और भी तमाम जिले, रांची वगैरह हर जगह जो है, बोकारो हर जिले में करीब करीब जो है ड्रिप और मल्चिंग से खेती मैंने किसान मैंने आ रहे हैं इसमें कर रहे हैं। वसंत कुमार डांगी प्रशांत के पिता हैं। उन्होंने पारंपरिक और आधुनिक कृषि के दोनों तरीकों को देखा है। वे कृषि के क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन की हिमायत करते हैं। वे आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका पर विश्वास करते हैं, उनके मार्गदर्शन को अपनाते हैं और उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। पूर्वजों का मेरा मुख्य पेशा है और अभी आधुनिक मॉडल में परिवर्तन है, परिवर्तन में ही हम लोग सर्वाइव करना चाह रहे हैं। जो नई टेक्नोलॉजी है, नए उपकरण आ रहे हैं, अभी पूरे विश्व में पानी का किल्लत होते जा रहा है धीरे धीरे और उसी पानी में हम लोग को जीना है और पानी से ही खेती करना है। तो इसके लिए जो नए संसाधन आ रहे हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उसको हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से जो हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, हम लोग को जो बताया जा रहा है, उसमें हम लोग सर्वाइव करना चाह रहे हैं। वसंत कुमार डांगी की कृषि, नौकरी और शिक्षा के प्रति सोच आधुनिक है और व्यावहारिक भी। वे चाहते हैं कि युवा शिक्षित और आत्मनिर्भर बने। इस आत्मनिर्भरता के लिए सही दृष्टिकोण की जरूरत है। उनका परिवार संयुक्त परिवार है जो प्रशांत जैसे युवाओं के लिए वरदान है। नहीं, पढ़ाई भी कर रहा है और ये खेती भी कर रहा है, उधर्मी होना चाहिए। हम लोग का उद्देश्य है कि मान लिया जाए हम नौकरी तैयारी करवा रहे हैं बेटा को, 22 लाख हो नौकरी नहीं हो पाए तो मेरा बेटा का लाइफ जो है सो विचलित हो जाएगा, उस दरमियान वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसे युवा के देखे हैं कि अप्रिय घटना घटता है, इसलिए उस लाइन में परिपक्व बनाना चाहिए। दो एंगल में हमको चलना पड़ेगा,
दो रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, एक पूर्वज का रास्ता एक वर्तमान का रास्ता। तो वर्तमान में पढ़ाई है, पढ़ाई भी करना है और खेती भी करना है। वसंत गोपालन भी करते हैं और उससे प्राप्त गोबर और गोमूत्र का भी खेतीबाड़ी में वे इस्तेमाल करते हैं। वे जैविक खेती को श्रेष्ठ खेती मानते हैं। हाँ, गाय रखे हुए हैं। गाय मेरे पास आज के डेट में 2, 4, 5, 6। हाँ, गोबर का यूज करते हैं। जैविक पे हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं, जैविक खेती करने। इनके पास बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पैसा निकल जा रहा है, हम लोग को जीने खाने पर आ जा रहा है। प्रशांत युवा और शिक्षित किसान है। वे कृषि की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास कृषि संबंधी नई सोच और योजनाएं हैं। प्रशांत के पास खेती बाड़ी के लिए लंबा समय और लंबी दूरी है। उम्मीद है कि प्रशांत वर्तमान में युवा किसानों के लिए प्रेरणा और भविष्य में आधुनिक खेती के पथ प्रदर्शक होंगे। तो आपने देखा कि अगर युवा ठान ले और तकनीक का उनके सहयोग मिल जाए तो बड़े से बड़े नौकरी भी धरातल पे नहीं रह टिक पाते। और इनकी एक महीने की जो सैलरी इन्होंने कहा कि मैंने गोभी बेच के लिया, वो आपको IAS वाले नौकरी में भी नहीं मिलती। तो इसलिए युवाओं से कहना होगा कि वो पैरेलल चले, जैसे इनके अभिभावक ने बताया कि प्लान बी को हमेशा साथ रखना चाहिए। एक प्लान अगर नहीं होता है तो दूसरे प्लान पे चलना चाहिए। इससे जो अभी युवाओं में एक आ रही है आत्महत्या की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसमें रोकथाम होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार। आशा करती हूँ आज के कार्यक्रम आप सबों को पसंद आया होगा। इससे हमारे किसान भाइयों को काफी लाभ मिला होगा कि किस प्रकार से इस कृषि प्रणाली को अपनाकर हमारे किसान भाई उन्नति कर रहे हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जोहार।